एक माँ का अपने बच्चे से जुदा होना कितना सख्त है, लेकिन उसने बड़ी खूबी से हक अदा किया। यही खुदा की मर्जी थी। तुम सब्र करो। हन्ना ने नजर को पूरा किया। कितनी सख्त नजर थी। उसकी रजा पर राजी रहो अलीसाबाद। मेरा दिल उसकी याद में जल रहा है। वो चाहती थी कि उस फूल को खिलते देखे, लेकिन मरियम उससे जुदा हो गई। मुझसे कहती थी कि मरियम से दूरी मुझे अंदर से जलाती है। कितना अच्छा हुआ कि उसके दीदार के लिए इबादत गाह गई। आखिर उसके करीब जाकर उसने आखिरी सांस ली। मरियम, किस तरह से उसे खबर दे। सलाम मरियम। सलाम दादा जान। क्या सोच रही हो मरियम? मैंने हिसाब किया है कि मुझे इबादत गाह में आए हुए 6 माह 17 रोज हुए हैं। तुम पर बहुत सख्त गुजरे हैं। नहीं, लेकिन हर रोज जो गुजरता है, तमाम होश हवास इसी ख्याल में रहते हैं कि कब मेरी माँ मुझसे मिलने आएंगी। लेकिन दिन गुजर जाते हैं और रात आ जाती है, वो नहीं आती। मेरा दिल गमगीन हो जाता है और अजीब सा महसूस करती हूँ। सच दादा जान, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भुला दे? नहीं हो सकता। फिर क्यों मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई? आप क्यों रो रहे हैं दादा जान? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई, जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। उन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया? एक दिन मैं लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया था। ना कहा, मेरा दिल निहायत ही गमगीन हो गया, तुम्हारी तरह। उस वक्त मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जिसे बयान करना मुमकिन नहीं है। वापसी पर देखा कि कुछ लोग घर के बाहर जमा थे। लोगों के दरमियान से अंदर दाखिल हुआ। मेरी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे सो रही हों। बड़े ही सुकून से आराम फरमा रही थी मेरी मां। उन्हें किसी वक्त इतना सुकून नहीं मिला था, कोई अचानक जिंदगी के सारे रंजो गम खत्म हो गए हों। अपने हाथों को उनके गले में डाल दिए, चेहरे का बोसा लिया, फिर भी बेदार न हुई। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं दादा जान? मेरी मां के बारे में? मुमकिन है कि मेरी मां भी Oh,
समझ गई कि क्यों मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी मासूम और मजलूम मरियम, तेरे सुपुर्द कर दिया ताकि तू उन्हें अपनी मोहब्बत व रहमत से नवाज दे। मुझे भी इस तन्हाई में छोड़ न देना, क्योंकि मेरा दिल शिकस्ता है और मैं बेहद गमगीन हूँ।